गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑन फिल्टर प्रेस फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़िल्टर प्रेस क्या होता है इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज लेक्चर अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से, से शेयर कीजिए फ्रेंड्स मेरा ये जो लेक्चर है इसके पी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा सो so, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वो वहाँ पर जाके इज़िली डाउनलोड कर सकता है सो फ्रेंड्स वाट इज़ फिल्टर प्रेस सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फिल्टर प्रेस की तो बेसिकली इसमें फ्लेम होता है फिल्टर क्लॉथ होता है एंड प्लेट्स होती हैं और ये मैनीफोल्ड जिसमें पाइपिंग और वॉल्स होता है इट इज़ बेसिकली अ इक्विपमेंट यूज इन सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेशंस ये बेसिकली फ्रेंड्स मेरा एक इक्विपमेंट होता है जिसको सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इट सेपरेट्स लिक्विड एंड सॉलिड्स यूजिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन ये फ्रेंड्स लिक्विड एंड सॉलिड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन हैविंग अ पम्प वेयर इन अ स्लरी इज पम्प इन टू द फिल्टर प्रेस एंड इज डिटर्ड अंडर प्रेशर जहाँ पे जो मेरी स्लरी रहती है फ्रेंड्स उसको बेसिकली पंप आउट किया जाता है आपका जो फिल्टर क्लॉथ होता है उसके थ्रू जहाँ पे उसके अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल रहता है वो डिपोजिट हो जाता है और जो भी लिक्विड है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है इट इज़ डिज़ाइन बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ स्लरी दैट नीड्स टू बी डिवॉट इसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो बेसिकली उसका बेसिस रखा जाता है कि वॉल्यूम कितना है जो मेरे को क्लियर करना है प्लस किस तरीके की मेरी स्लरी कैसी है उसका नेचर कैसा है सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड हाउ डज अ फिल्टर प्रेस वर्कस सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि एक फ़िल्टर प्रेस काम कैसे करता है तो वो देखते हैं इसमें फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था स्लरी इज़ पम्पडिंग टू द मशीन सच दैट सॉलिड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवेनली डूरिंग द फिल साइकल फ्रेंड्स इसमें जो स्लरी होती है उसको बेसिकली पम्प आउट किया जाता है आपके फिल्टर प्रेस में ताकि जो भी मेरी स्लरी में सॉलिड्स हैं वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएँ आपके प्लेट्स के बीच में जिनमें फिल्टर क्लॉथ लगे हुए रहते हैं सॉलिड्स बिल्ड ऑन द फिल्टर क्लॉथ फॉर्मिंग द फिल्ट्रेट केक जो मेरे सॉलिड्स हैं वो बेसिकली फिल्टर क्लॉथ के ऊपर आपके चिपक के एक केक लेयर जैसी बना देती हैं द फिल्ट्रेट एग्जिस्ट द फिल्टर प्लेट्स थ्रो द कॉर्नर पोर्ट्स आप एक एक फ़िल्टर प्लेट्स देखेंगे तो उसके बाजू पे कॉर्नर पर होल्स दिए रहते हैं जो भी मेरा फिल्ट्रेट रहता है वह है वो बेसिकली उन जो फिल्ट्रेट की प्लेट्स के कॉर्नर में पोर्ट्स रहते हैं उनसे वो जो मेरा लिक्विड रहता है वो आपका एग्जिट कर जाता है इल्डिंग क्लीन फिल्टर्ड वाटर सो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब आप प्रेशर से एक सेंटर नोजल से आप प्रेशर से जब मटेरियल को आप प्लेट्स के बीच में एंटर कराते हैं तो होता क्या है कि जो भी इसमें सॉलिड रहता है वो सॉलिड आपका जो भी फिल्टर क्लॉथ्स रहते हैं उनके बीच में वो चिपक के एक केक की लेयर बना देता है जबकि जो आपके लिक्विड्स रहते हैं वो हर एक जो आपके प्लेट्स रहती हैं उनके एंड में जो होल्स दिए रहते हैं वो उनसे मूव करके आपका बाहर की तरफ लिक्विड चला जाता है लेकिन सॉलिड आपका वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है प्रेसर फिल्ट्रेशन मेथड सच एज प्रेसर फीड पंप ये क्या करता है एक प्रेसर बिल्डअप करता है सॉलिड्स बिल्ड विद इन द चेंबर्स एंड दे आर कम्प्लीटली चोक्ड जैसे फ्रेंड्स जैसे ही आपका जो फिल्टर प्रेसर है उसके अंदर केक ज़्यादा बिल्ट होने लगेगा इमीडिएटली जो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर है वो जब ज़्यादा होने लग जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा फिल्टर प्रेस है वो चोक हो रहा है और मेरे को उसको खोल के क्लीन करना पड़ेगा वंस द चैम्बर इज़ फुल द साइकिल इज कम्प्लीटेड जैसे ही आपके चैम्बर्स फिल होते हैं ये साइकिल कम्प्लीट होता है और फिल्टर केक को आपको रिलीज करना है इन मेनी हायर कैपेसिटी फिल्टर्स फास्ट एक्सलेंट ऑटोमेटिक प्लेट शिफ्टर्स आर एम्प्लॉयड फ्रेंड्स आज की डेट में कुछ हाईली ऑटोमेटेड मॉडल्स भी आना शुरू हो गए हैं फिल्टर प्रेस के जिसके केस में फास्ट एक्शन के लिए ऑटोमेटिक प्लेट शिफ्टर्स दिए जाते हैं इनमें प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना इवन केक कटिंग तक आपका ऑटोमेटेड मोड में पॉसिबल है कुछ जो फिल्टर प्रेस होते हैं दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फुली ऑटोमेटिक इवन फ्रेंड्स आज की डेट में कुछ फुली ऑटोमेटिक आपके फिल्टर प्रेस तक मार्केट में अवेलेबल है सो फ्रेंड्स सो अगर मैं रूटीन आपको बताऊं तो आप इन डायग्राम्स को देख के आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा फ्रेंड्स ये देखिए बेसिकली इस तरीके की आपकी ये प्लेट्स रहती हैं इनके ऊपर फ्रेंड्स हम आपका जो फिल्टर क्लॉथ रहता है उस फिल्टर क्लॉथ की लेयर्स लगाते हैं लाइक फ्रेंड्स ये देखिए ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर बेसिकली फ़िल्टर क्लॉथ्स की लेयर बैठाई जाती हैं तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब ये आपका कोई भी जब इसके जो सेंटर नोजल है जब उससे यहाँ पे मटेरियल फ्रेंड्स एंटर करता है तो एंटर करने के बाद में आपका जो भी केक रहता है वो बेसिकली इस रीज़न में वो केक आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और जो आपका लिक्विड रहता है वो ये जो आप ये बाहर वाला ये आप प्लेट्स देख रहे हैं ये होल्स देख रहे हैं ये बेसिकली इन होल्स से आपका बाहर की तरफ मूव कर जाता है सो so फ्रेंड्स जैसे ही आपका इसके मटेरियल फ़्लो होना शुरू होता है तो आपका सम सबसे स्टार्टिंग में कुछ फाइन पार्टिकल्स जमा होना शुरू होते हैं बट इवेंचुअली द सॉलिड्स बिगिन टू फॉर्म अ लेर आफ्टर दैट एक लेयर जैसी बनना शुरू हो जाती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मच मोर लाइक अ प्री कोट देन लेयर टैप्स द फाइन पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स फिल्टर केक और धीरे धीरे फ्रेंड्स वहाँ पर पूरी की पूरी फिल्टर की एक केक जैसी बनने लग जाती है सो so, फ्रेंड्स इस डायग्राम में हो आपको बेसिकली फिल्टर प्रेस का पूरा का पूरा वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सो so, फ्रेंड्स याद रखेगा कि फिल्टर इसके केस में अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिकली इस तरीके की प्लेट्स रहती हैं जिनके ऊपर आपका फ़िल्टर क्लॉथ जो है वो सेट किया जाता है जो फीड रहता है फ्रेंड्स वो एक सेंटर नोजल से आपका फीड इन प्लेट्स में एंटर होता है आफ्टर दैट एंटर होने के बाद में जो भी केक है वो केक इन प्लेट्स के ऊपर जो फ़िल्टर क्लॉथ लगा है उसमें ट्रैप हो जाता है और जो भी हमारा लिक्विड रहता है वो बेसिकली ये जो ये जो एंड में आप होल्स देख रहे हैं इन होल से वो मेरा बाहर की तरफ कलेक्ट हो जाता है सो फ्रेंड्स होप आपको फिल्टर प्रेस का वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन फिल्टर प्रेस प्रोसेस दे आर बेसिकली एज़ फॉलो सबसे पहले फिलिंग जिसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं एक जो भी हमारा जो चैम्बर है उसमें पंप से मटेरियल पंप आउट करते हैं इसको बेसिकली पहला स्टेप फिलिंग बोलते हैं सेकेंड फ्रेंड्स फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन के स्टेप में जो भी हमारा अपना फिल्टर क्लॉथ होता है उसके ऊपर धीरे धीरे केक डिपॉजिट होना शुरू होता है आफ्टर दैट फ्रेंड्स जब पूरा उसमें केक की लेयर बन जाती है है तो वहाँ पे पूरा केक डिपॉजिट हो जाता है और जो भी आपका लिक्विड है वो आपकी जो प्लेट में होल्स दिए रहते हैं चारों तरफ वहाँ से आपका लिक्विड जो है वो एग्जिट की तरफ मूव करता है आफ्टर दैट फ्रेंड्स फिल्टर ओपनिंग जब आपको लगता है कि सफिशियट केक फॉर्म हो गया है और पंप जो उसमें फीट कर रहा है उसमें डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ने लगा है तो आपको अपने फिल्टर को ओपन करना है एंड आफ्टर दैट वॉशिंग आफ्टर दैट जो भी केक उसके ऊपर जमा है वो केक आपको स्क्रैप करके बाहर निकालना है और उसकी प्लेट्स को प्रॉपर तरीके से वॉश करना है एंड फाइनली द क्लोजिंग ऑफ द प्रेस अगेन फॉर रीयूज नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं अप्लीकेशंस की कि फिल्टर प्रेस की अप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं सो फ्रेंड्स फिल्टर प्रेस कैन बी बिल्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेज इसको काफ़ी वाइड रेंज ऑफ साइजेस में बनाया जा सकता है फ्रॉम लैब स्केल ऑफ 150 फिफ्टी एम टू मच लार्जर कैपेसिटीज़ 150 सौ mm से लेके 1500 सौ इवन दो सौ दो हज़ार एम तक की फ़िल्टर प्लेट्स बनाई जा सकती हैं दे आर यूज फॉर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन इन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ इनको फ्रेंड सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के लिए काफ़ी सारी वाइड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है लाइक फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग पावर जनरेशन एसफाल्ट एंड सीमेंट प्रोडक्शन स्टील मिल्स एंड म्यूनिसिपल प्लांट्स में भी इनको यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ से जो बेसिकली केक निकलता है उसको जनरली हम स्लज बोलते हैं वो उस स्लज को हम सेपरेटली सुखाते हैं और आफ्टर दैट इसको डिस्पोजल के लिए जो भी आपके पास में पार्टी अवेलेबल है उसको आप देते हैं जो उसको सेफली डिस्पोज ऑफ़ करती है नाउ फ्रेंड्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर प्रेस तो फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि वेरियस एमओसीज जो हैं वो प्लेट मटेरियल्स के पॉसिबल हैं लाइक पी पी स्टेनलेस स्टील कास्ट आयरन पी पी फिल्टर प्लेट इसमें जो है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंड्स इट कैन रिलइज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रेंड्स छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इसमें सेपरेट होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी सारे प्लेट्स एक के बाद में एक लगी रहती हैं जिनके ऊपर आप अपने हिसाब से आप जो माइक्रॉन के साइज़ हैं उनके हिसाब से आप फिल्टर क्लॉथ्स लगा सकते हैं जिससे छोटे से छोटे पार्टिकल्स रिमूव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर प्रेस की तो फ्रेंड्स अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहला इसका रहता है कि मैनुअल डिस्चार्ज कि एक बार जब आपने एक फिल्टर प्रेस को लाइन में लिया और अगर उसके अंदर केक फॉर्म हो जाता है तो आपको बेसिकली उन सारी के सारी प्लेट्स को खोलना पड़ता है आफ्टर दैट आपको उसके से केक रिमूव करना है देन आपको उसको क्लीन करके दोबारा लगाना पड़ता है जो पूरी की पूरी एक मैनुअल एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स सेकेंड फ्रेंड्स स्मॉल इनलेट्स फॉर प्लेट फ्रेम टाइप्स जो फीडिंग होल्स रहते हैं दे आर ऑन कॉर्नर एंड आर वेरी स्मॉल सो इट विल बी वेरी इजली ब्लॉक्ड फ्रेंड्स इसमें बेसिकली आपका जो इनलेट रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपके अलग अलग तरीके से इनलेट्स दिए जाते हैं लाइक like, कुछ आप फिल्टर प्रेस में देखेंगे तो बेसिकली सेंट्रल सेंटर से आपका फ़ीड पॉइंट दिया जाता है कुछ में आपका इनलेट आपका कोने से भी दिया जा सकता है सो so फ्रेंड्स इसमें बेसिकली जो इनलेट रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है जिसकी वजह से जो आपके फीडिंग होल्स हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं एंड थर्ड वन फ्रेंड्स लो फीडिंग प्रेशर फ्रेंड्स जो फीड प्रेशर है वो आप काफ़ी ज़्यादा नहीं जा सकते हैं अदरवाइज़ एक बार अगर आपका फ़िल्टर प्रेस ब्लॉक हो गया तो आपके पम्प की सील जाने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं सो so, फ्रेंड्स ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फिल्टर प्रेस के जो आपको जानना ज़रूरी है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फ़िल्टर प्रेस के केस में डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन आप जो फीडिंग है इनलेट मटेरियल की वो आप सेंटर से भी रख सकते हैं जिसके केस में बेसिकली इसमें फ्रेंड्स अगर आपने सेंटर से दिया तो सारी की सारी प्लेट्स के बीच में वो मटेरियल आपका फिलअप होगा और जो प्लेट्स के एंड में आपके होल्स रहते हैं वहाँ से लिक्विड आपका सेपरेट हो जाएगा और आपका जो केक है वो प्लेट्स के ऊपर पूरा लेयर जैसी बना देता है प्लेट के ऊपर जो फिल्टर क्लॉथ लगा रहता है एंड फ्रेंड्स इवन साइड से भी आपकी इनलेक्ट पॉसिबल है सो फ्रेंड्स फिल्टर प्रेस के केस में बस इतना ही सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे पैसर स्विंग डिस्टिलेशन की कि पैसा स्विंग डिस्टिलेशन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे